अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज हमवतनों, वेलकम टू दी मास्टर। हर रोज दुनिया का जो लैंडस्केप है कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। पॉसिबिलिटी है थर्ड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाए, मतलब जो थर्ड वर्ल्ड वार होगी वो बहुत ही डेडली होगी। इससे पहले क्या फर्स्ट वर्ल्ड वार भी हुई, सेकंड वर्ल्ड वार भी हुई, बहुत ज्यादा इंसान मरे, दुनिया के नक्शे पर नई कंट्रीज उमर जो क्या है। लेकिन आपको नहीं पता थर्ड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया का नक्शा कैसा होगा, आज हम आपको बताते हैं इस डिटेल वीडियो में। इस वक्त जो नेटिव है अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, अपना जो इस वक्त इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया पे बढ़ाना चाहता है, इसी वजह से कोल्ड वार स्टार्ट हो गई है नेटो और चाइना की। इस वक्त सारा यूरोप और अमेरिका, कनाडा सब चाइना के खिलाफ हैं, और क्या है चाइना नेटो को रोकने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से इन दोनों कंट्रीज के दरमियान क्या है, आपस में एक कोल्ड वार चल रही है, मतलब सर्द जंग चल रही है एक दूसरे को हेजमेनिक पावर को काउंटर करने के लिए। अब मामला क्या है, नेटो अपने आप को एशिया पैसिफिक में बढ़ा रहा है, जैसे कि टोक्यो के अंदर अपना ऑफिस खोल रहा है ताकि जो एशिया है उसको भी कंट्रोल किया जाए। अब नेटो हर जगह पर पहुंचा हुआ है, चाहे वो इंडियन ओशन हो या अटलांटिक ओशन हो या पैसिफिक ओशन हो, तीनों जगह पर पहुंचा हुआ है। लेकिन इस वक्त चाइना इस नेटो को रोकने के लिए, इस यूरोपीय यूनियन के ब्लॉक को रोकने के लिए, अमेरिका के ब्लॉक को रोकने के लिए आगे बढ़ा हुआ है। लेकिन फ्यूचर में जो पॉसिबिलिटी है वो नेटो अकेला नहीं होगा, नेटो के साथ बहुत सारा कंट्रीज भी होंगे, लेकिन चाइना भी तो अकेला नहीं होगा। चाइना के साथ कौन होगा, रशिया होगा। अल्टीमेटली रशिया एक कम्युनिस्ट कंट्री है, चाइना भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है। अब फ्यूचर में लेट्स सपोज वार हो जाती है दोनों कंट्रीज की आपस में, ये एक रशिया है इस वक्त बहुत बड़ा लैंड इसका है पड़ा, और उसके बाद चाइना इसकी इकॉनमी बहुत बड़ी है। अब ये आपस में अलायंस बना लेते हैं, दोनों कंट्रीज आपस में मिलकर नेटो के खिलाफ लड़ते हैं। नेटो तो किस में है, उसमें कनाडा भी है, यूनाइटेड स्टेट्स भी है, और सारा यूरोप है। यूरोप इसमें 31 कंट्रीज हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा इस वक्त ब्लॉक है नेटो। अब आपस में लड़ाई होगी तो कौन कंट्री जीतेगा, अल्टीमेटली कौन जीतेगा, आप सोच रहे होंगे चाइना या रशिया, नहीं बिल्कुल नेटो जीतेगा, क्योंकि नेटो की इस वक्त जो आर्मी है वो बहुत ज्यादा है, इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा एडवांस है, और इनकी मैन पावर बहुत ज्यादा एडवांस है। लेकिन चाइना की इकोनॉमी बहुत ज्यादा है, इसके कंट्रीज हैं थोड़े कंट्रीज इसका साथ है। यहां पर पाकिस्तान और इंडिया का भी बता दूं, अगर पाकिस्तान इस जंग में कूदता है तो पाकिस्तान रशिया और चाइना का साथ देगा। इंडिया किसका साथ देगा, इंडिया अमेरिका और नेटो का साथ देगा, क्योंकि इसकी जो इंक्लिनेशन है वो यूएसए के साथ है। अब मामला क्या है, थर्ड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाती है। मैं आपको ये बता दूं, यहां एटम बम जो है, जो न्यूक्लियर हथियार है वो इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, तो अगर वो इस्तेमाल होते दुनिया का नक्शा ही तबाह हो जाएगा, दुनिया ही खत्म हो जाएगी। ये इसमें जो ये पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूं, इसमें न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं होगी तो क्या है, ये अल्टीमेटली नेटो जीत। अब मामला क्या होगा, रशिया को बांट देंगे 3 से 4 कंट्रीज में, रशिया को डिवाइड कर दिया जाएगा 3 से 4 कंट्रीज, ताकि इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको हैंडल किया जाए। अब ये नहीं है कि यहां अगर रशिया को हरा दिया जाए तो यहां पर नई गवर्नमेंट लगेगी, लेकिन जो रशियन पीपल है वो गवर्नमेंट को गिरा देंगे, और मे बी यूरोप के अंदर अटैक करना शुरू कर दें पीपल, क्योंकि बगावत हमेशा शुरू हो जाए। उसके बाद चाइना को भी इतनी बड़ी आबादी है, 1.4 बिलियन इसकी पॉपुलेशन है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि चाइना भी हार चुका होगा नेटो से, क्योंकि नेटो की जो टेक्नोलॉजी है एडवांस है, लेकिन इस वक्त चाइना भी अपनी टेक्नोलॉजी एडवांस कर रहा है, तो चाइना को भी डिवाइड कर दिया जाएगा, तुर्कमानिस्तान कुछ आधा कुछ, इसी तरह क्या है चाइना को डिवाइड कर दे, रशिया को डिवाइड कर दे, खत्म कर दिया जाएगा। अब क्या है, जो चाइना और रशिया के जो अलाइज होंगे, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, इसको खत्म करके साउथ कोरिया का हिस्सा बना दिया जाएगा। इसी तरह जो वार जिस कंट्री का हिस्सा बन रहे होंगे उसी को, जो चीज यहां पर एक छोटा सा कंट्रीज है जिसको हम इसराइल कहते हैं, उसको यहां बयान करना बेजाना होगा बिल्कुल। इसराइल क्या कर रहा है, इसराइल सीरिया पर जिसको हम शाम कहते हैं उस पर अटैक करके अपने आप को बढ़ा लेगा, मतलब अपनी जो टेरिटरी है उसको एक्सपेंड कर जाएगा इसराइल नेटो और यूएसए की नोज के नीचे। इसी तरह इंडिया भी पॉसिबल है वो पाकिस्तान पर अटैक करे न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से, क्योंकि यूएसए और नेटो इंडिया को सपोर्ट कर रहा होगा। अब मामला क्या, जहां भी अथॉरिटेरियन रूल्स हैं, जहां के कम्युनिस्ट जैसे कि ईरान है, इसको खत्म कर देंगे, यहां पे गवर्नमेंट टॉपल कर देंगे, सीरिया की गवर्नमेंट टॉपल कर देंगे, क्योंकि रशिया को उन्होंने सपोर्ट करना है। ये है पॉसिबिलिटी थर्ड वर्ल्ड वार की, अगर लेट्स सपोज चाइना और रशिया हार जाते हैं और नेटो जीत जाए, इसी तरह वो दोनों कंट्रीज को डिवाइड कर देंगे, और कोई मुश्किल चेंजेस नहीं है। जो कंट्री यहां पर इनकी सपोर्ट करेंगे वहां तो मे भी पॉसिबल ही है जो फ्यूचर की गवर्नमेंट ही चेंज करे, ये है पॉसिबल। लेट्स सपोज अगर चाइना और रशिया जीत जाते हैं तो फिर क्या करेंगे, वो यूरोप को डिवाइड कर देंगे, ये यूरोप को, ये जो नेटो का हिस्सा है इसको अपना हिस्सा बना लेंगे या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ले आएंगे। इसी तरह अगर लेट्स सपोज और होता है तो यूनाइटेड स्टेट को भी डिवाइड कर देंगे, मेक्सिको को यूनाइटेड स्टेट का
आधा हिस्सा दे देंगे, ये मैं डिटेल में अपनी पहले वीडियो में बता चुका हूं। और कनाडा को भी डिवाइड करने, ये जो अलास्का रीजन है ये रशिया अपना वापस ले लेगा। इसी तरह जो हेजमनी है चाइना की इस वक्त साउथ, जो इस वक्त अमेरिका है, यहां पर चाइना का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा अगर चाइना हारता है। ये थी आज की डिटेल वीडियो। ये जो इस वक्त ये जो एनालिसिस है आपको बहुत ही रिसर्च के साथ बताया जाता है, ये ऐसे समझो फ्यूचर है। लेकिन पॉसिबिलिटी, अगर वर्ल्ड वार में न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल ना हो, अगर वर्ल्ड वार में न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल होंगे तो ये सारा दुनिया का मैप बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यहां पर कोई कंट्री बाकी नहीं बचेगा, कोई गवर्नमेंट टॉपल नहीं कर सकेगा और दुनिया के ऊपर जो इंसानियत है वो खत्म हो जाएगी। की वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। मेरा ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।